पाकिस्तान एयरफोर्स में एरो ट्रेड का क्या काम होता है क्या एरो ट्रेड एयरमैन का सबसे बेहतरीन ट्रेड है क्या एरो ट्रेड भर्ती होकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को ज्वाइन किया जा सकता है एरो ट्रेड की सैलरी रैंक ट्रेनिंग और फैसिलिटीज कौन कौन सी होती है और एक एरो ट्रेड मैक्सिमम किस रैंक को अचीव कर सकता है सबसे पहले व्यूवर समझेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एरो ट्रेड का बेसिकली काम क्या होता है वो तकनीकी माहरीन जो हवाई जहाज़ के बुनियादी ढांचे के साथ साथ कंट्रोल सिस्टम को तमीर डिज़ाइन ऑपरेट जांच और बरकरार रखते हैं उन्हें एरो ट्रेड कहते हैं आसान लफ्जों में वो तकनीकी माहरीन जो हवाई जहाज को तमाम नकाइस और मसलों से पाक रखते हैं ताकि उड़ान और लैंडिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो एक मिसाल से समझते हैं कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में एक पायलट का काम होता है कि जहाज के अंदर सवार होना और उड़ान भरना अब दौरान सफ़र पायलट और जहाज को किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना ना हो ये एरो ट्रेड के शोल्डर्स पर होता है यानी कि एरो ट्रेड का बुनियादी काम जहाज़ की मेन्टेनेंस होता है पाकिस्तान एयरफोर्स में एरो ट्रेड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जैर निगरानी काम करते हैं और एरो ट्रेड पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन की कैटेगरी के अंदर सबसे बेहतरीन ट्रेड है ये तो हो गया एरो ट्रेड का बुनियादी काम लेकिन अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एरो ट्रेड को मजीद दो ब्रांचेज में तकसीम किया गया है एक को एरो टेक्नीशियन और दूसरे को एरो सपोर्ट कहते हैं दोनों का बुनियादी काम जहाज के साथ ही है लेकिन कुछ काम की बुनियाद पर इन दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ किया गया है देखिये व्यवसर्ज़ एक एरो ट्रेड का काम जितने भी जहाज के स्पेयर पार्ट्स होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं फिजिकल चीजें होती हैं उनके साथ होता है यानी कि रेडार फिटिंग इंजन फिटिंग एयर फ्रेम या फिर इलेक्ट्रिक असम्बली वगैरह के साथ होता है दूसरे नंबर पर एक एरो सपोर्ट का काम ऑफिस या बेस में बैठकर जहाज या फिर पायलट को इन्फॉर्मेशन सेंड करना होता है यानी कि रिडार इंफॉमेशन सिग्नल इंफॉमेशन और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट को फ्राह्म करना होता है आगे चलकर बात करेंगे एक एरो ट्रेड की ट्रेनिंग किन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है एक एरो ट्रेड की ट्रेनिंग दो हिस्सों पर होती है पहले हिस्से में आपको प्री ट्रेड ट्रेनिंग स्कूल जो कि कुहाट के अंदर वाक्य है वहां पे आपको छः माह के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है दूसरे नंबर पर आपको स्कूल ऑफ एरोनोटिक्स जो कि कराची के इलाके कुरंगी में वाक्य है वहां पे आपको आपकी फील्ड के मुतालिक अपनी जो प्रोफेशन है उसके मुलिक इन्फॉर्मेशन और स्टडीज करवाई जाती हैं दो साल के लिए उसके दौरान आपको डिप्लोमा भी मुख्तु किस्म के एविएशन के मतलब दिए जाते हैं जो कि आपकी अकेडमिक क्वालिफिकेशन को भी क्लियर कर देते हैं साथ ही साथ जब एक एरो ट्रेड पास आउट होता है तो उसको लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन का रैंक दे दिया जाता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एल ए सी भी कहते हैं उसका बेसिक पे स्केल सेवन होता है जो कि पाकिस्तान आर्मी में एक सिपाही और पाकिस्तान नेवी में मेरीन सेलर के इक्वल होता है अगर प्रमोशन की बात कीजिए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक आपका प्रमोशन चार चीज़ों पर मुनहसर होता है यानी कि ओवरऑल सर्विस रिकॉर्ड मेडिकल फिटनेस और सर्विस एग्जामिनेशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर आपका मुनहसर होता है आप मैक्सिमम सिक्सटीन ग्रेड तक जा सकते हैं जिसको हम चीफ वारंट ऑफिसर कहते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी में एक सूबेदार मेजर के इक्वल होता है एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्या एक एरोट्रेड पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई को ज्वाइन कर सकता है या फिर नहीं तो इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस यू कैन ज्वाइन बट आपकी फ्राइज की अनजामदही क्लीन सर्विसेज रिकॉर्ड और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी अवलिन तरजीहत में शामिल होनी चाहिए फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स अपने इम्प्लॉयज़ को बेहतरीन सहूलियत भी फ्राहम करता है जैसे कि फ्री मैसिंग फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट इन रेलवेज एंड एयरलाइन चार्जेज़ फ़िफ्टी परसेंट डिस्काउंट इन फ़ज़ाइया स्कूल एंड कॉलेज इसके अलावा फ्रीज़ हज की अदायगी मखसूस कोटा पर और फ्री लिफ्ट आपको दी जाती है अगर फ़्लाइट मौजूद हो तो ये थी व्यवर्स एयर ट्रेड के हवाले से तमाम मालूम अगर आप आई एस आई को ज्वाइन करने का मुकम्मल तरीका जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ शुक्रिया